दुआ ज़हरा केस के हवाले से जिसका फैसला महफूज कर लिया गया है और ये फैसला आज ही सुनाया जाएगा। दुआ ज़हरा की मेडिकल रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की उम्र तकरीबन 17 साल है। एडवोकेट जनरल का ये बताना है। शाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। शाहिद, आज ये फैसला सुनाया जाएगा, आज जो कार्रवाई हुई है उस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, ये दुआ ज़हरा की जो मेडिकल रिपोर्ट थी अदालत में पेश की गई। अदालत ने कहा कि चूंकि हमने वालिद के वकील की इस्तेदा पर ये मेडिकल करवाया था, अब लड़की की जो उम्र है वो 16 से 17 साल है, इसलिए अब चूंकि जो लड़की की तो गुमशुदगी का मामला था वो सिंध हाई कोर्ट में हल हो चुकी है। लड़की खुद पेश होकर बता चुकी है कि उसको किसी ने अगवा नहीं किया। बाकी वफाकी शरी अदालत और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी हुक्म दे चुकी है कि बलोगन मर्जी से शादी कर सकती है, तो इसलिए शादी के मामले में हम मुदाखलत नहीं कर सकते। दुआ के वालिद ने अदालत को बताया कि उनकी अपनी शादी को 17 साल हो गए, तो उनकी बेटी की जो उम्र है वो 17 साल कैसे हो सकती है। और हमने 2015 में भी तमाम दस्तावेजात बनवाए थे जिसमें नादरा सर्टिफिकेट, पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात, जिसकी रोशनी में लड़की की जो उम्र है वो यही है कि वो 16 साल कुछ महीने ज्यादा है और हमें नहीं पता था कि 7 साल बाद इस तरह का हादसा हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि बच्ची की जो मेडिकल रिपोर्ट बनाई गई थी उस हवाले से उसको हमने चैलेंज भी कर दिया है, लेकिन इसको हम नहीं मानते। अदालत ने कहा कि जो हमारी हदूद थी हम उसी तरह जो है वो उस पर फैसला दे चुके हैं, क्योंकि पुलिस जो है वो इस इंश्योरेंस पे पंजाब से लड़की और लड़के को लेकर आई है कि उनके किया जाएगा, इसलिए हम इसको मुदाखलत नहीं कर सकते। एडवोकेट जनरल और इसके अलावा प्रोसिक्यूटर जनरल ने भी अदालत को बताया कि यहाँ जो मामला था, जो पहले मुकदमा दर्ज हो चुका है, पुलिस हतमी उसमें रिपोर्ट पेश करेगी और लड़की को वापस लाहौर हाईकोर्ट 10 जून को चूंकि पेश करना है पेश किया जाए। बाकी लड़की को एक बार फिर पूछा गया कमरा अदालत में कि वालदैन से मिलना चाहती है नहीं चाहती, तो वो अंदर जो कचहरा था वहां पर लिया गया था कोर्ट रूम के अंदर, तो उसने हर इलाका मना किया, इनकार किया कि मुलाकात नहीं कर सकती, लेकिन अदालत ने जाती तौर पर लड़की से जो है अपील की कि वालदैन से जैसा आपके चैंबर में मुलाकात की जाए, तो उसके बाद 5 मिनट के लिए जो है वो मुलाकात की गई। अब लड़का जो दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी अली काज़मी और उनकी वालदा का ये कहना है कि दुआ ज़हरा ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि उसको वालिदैन के पास वापस जाना है, उसके बाद फिर जो पंजाब से पुलिस आई थी उन्होंने जबरदस्ती बच्ची को वालिदैन से बात नहीं करने दी, इसलिए अब वो ख्वाहिश के इजहार के बावजूद जो है वो लड़की को वापस जो है जो चैंबर से बाहर मुंतकिल कर दिया गया है। इस सारे बात जो दुआ ज़हरा की वालदा थी वो अदालत के बाहर जो है अदालत वहाँ बेहोश भी हो गई, उनका ये वापस जाना चाहती है और वो इस ख्वाहिश का इजहार कर चुकी है, लेकिन पुलिस जो पंजाब से खातून और जो मर्द पुलिस अहलकार हैं वो उनसे ना बच्ची से बात करना दे रहे हैं और ना ही जो बच्ची कहना चाहती है कि उसको वापस अपने घर वालों के साथ जाना है उस पर कोई बात करी। बाकी अदालत ने जो हतमी दलायल थे दस्तावेजात की रोशनी में उस पर फैसला महफूज कर लिया और अदालत ने रिमार्क दिए कि आज ही ये फैसला सुनाया जाएगा। ठीक है शाहिद, ये भी बताइएगा कि दुआ ज़हरा ने अपने वालिदैन से मुलाकात से इनकार किया है, इसके अलावा उन्होंने कमरे अदालत में कोई बात की? जब पहुंचाया गया था तो उस वक्त तो उन्होंने चूंकि पुलिस बीच में आ रही थी बार बार अदालत जो दुआ की वालदा है वो उन्होंने गले मिलने की कोशिश की, पुलिस उनको धक्के दे रही थी में, ना सिर्फ आहौल बता करती रही उनकी वालदा बल्कि कमरा अदालत में भी गिर गई थी, बेहोश हो गई थी। उसके बाद फिर उन्होंने खुद कोशिश की कि उन्होंने जाके बेटी से गले लगाया, उसके बाद फिर कमरा अदालत में जब समाप्त हो रही थी तो उस वक्त भी जज साहब ने कहा बच्ची से कि अपने वालदेन से मुलाकात से सर हिला के नाम में सर हिलाया और कहा कि वो मुलाकात नहीं करना चाहती, लेकिन उसके बाद फिर अदालत ने कहा कि जो जज साहब का अपना जाती चैंबर है हाईकोर्ट में उसमें जो है वालिद और वालदा की पुलिस की सिक्योरिटी में सर्चिंग के बाद जो मुलाकात कराई जाए। 10 मिनट का अदालत ने वक्त दिया था और 5 मिनट तक जो है पुलिस ने उनको मुलाकात करने दी और उसके बाद फिर बाहर ले आया गया है और जैसे ही बच्ची बाहर आई तो उसके बाद अदालत में एक बार फिर बेहोश हो गई। आज जो है वो दुआ को अलग और जहीर को अलग अलग अलहदा अलहदा गाड़ी में लाया गया था और इस वक्त भी सिक्योरिटी में सिंध हाई कोर्ट से बाहर दुआ और उसके बाद जहीर को मुंतकिल किया जा रहा है, जिसमें ना सिर्फ पंजाब पुलिस बल्कि सिंध पुलिस के अहलदे और आज खासतौर पर तहरीर केस के हवाले से आपने आगाह किया। कुछ देर के बाद इसका फैसला भी सुनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।